हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई कोचिंग क्लास, राइट। और मैं सागर सर आप सब लोगों के सामने आज लेके आया हूँ लिबर्टी का पेपर नंबर 1, राइट। पेपर नंबर 1 का लिबर्टी का सेक्शन ए और बी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, राइट। और जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने 7 पेपर किए, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग 7 पेपर करेंगे। और ये 7 पेपर ए और बी सेक्शन के एक साथ ही रहेंगे। बाकी बचता है सेक्शन सी और डी। तो सेक्शन सी और डी, ये सारे पेपर खत्म हो जाने के बाद एक पूरा का पूरा वीडियो लेंगे जो हर एक चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन सी और डी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम मार्क करेंगे, क्योंकि सी और डी के क्वेश्चन के अंदर कभी कोई चेंज नहीं आता। ए और बी के अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, कोई क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। तो ए और बी की प्रैक्टिस हम 7 पेपर में करेंगे। सो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा लिबर्टी का पेपर नंबर 1, राइट। उसके अलावा आप लोगों को ये भी कंसर्न रहता है कि हमारा मैथ्स और साइंस कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैथ्स और साइंस की कंप्लीट जवाबदारी, मैथ्स और साइंस की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको मैथ्स के 7 पेपर करवाए, उसी तरह साइंस के भी 7 पेपर हम लोग करेंगे बारी बारी से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि 29th of March से पहले मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा जिसके अंदर से आप पास तो ठीक है, अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरा मानना है, राइट। तो यहां तक सब लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी, सो कोई भी टेंशन नहीं लेना। अगर टेंशन हो रहा है तो ऑलरेडी हमारी चैनल पे 1 शॉट रिवीजन के वीडियोस अपलोडेड हैं, राइट। एक एक मार्क वाले सेक्शन 1 में काम आने वाले वीडियोस भी चैप्टर वाइज अपलोडेड हैं, तो आप वो देखना शुरू कर दो, राइट। वो देखना आप शुरू करोगे तो आपको उतना तो आइडिया आ जाएगा कि हर एक चैप्टर में से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, राइट। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो तबीयत थोड़ी नरम गरम है, लेकिन हम लोग अच्छे से काम करेंगे इतना तो श्योर है, राइट। तो फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक गिव विथ अ बेस। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका रेडिश ब्राउन। Which of the following compounds contain minus OH? OH का मतलब होता है अल्कोहल, और लास्ट में जब ऑल आता है तो वो जाता है अल्कोहल, तो अपना जवाब होगा ब्यूटेनॉल, राइट। इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे जवाब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि पार्शियली डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वहां पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। स्टेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट रहेगा एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर छोटे छोटे वर्ड देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस डज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस मायोपिया वेयर। यहाँ पे आएगा बायफोकल। देखो मायोपिया में अलग होता है एक ही लेंस होता है, हाइपरमेट्रोपिया में अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बायफोकल जिसमें दोनों प्रकार के लेंस एक साथ यूज किए जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक्स आ रही है। ब्लैंक इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। एन, एन का मतलब होगा मीथेन, राइट, जो कि सिंगल बॉन्ड में आता है और अल्केन में है, तो एक कार्बन मतलब मिथ है ना, पूरा का पूरा सीरीज होता है मिथ, इथ, प्रो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, राइट, ये सारे अलग अलग नाम है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट इज, तो होता है इंक्रीजिंग ड्रेस्टिकली। एंड यूरेथ्रा इज एन ऑर्गन ऑफ ब्लैंक सिस्टम। तो यूरेथ्रा जो है वो आएगा यूरिनरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीशन में।
ट्रेड्स ऑफ ब्लैंक इनहेरिटेड डिराइव फ्रॉम द एंसेटर्स, तो यहां पे आएगा जीन्स. अ स्फेरिकल मिरर एंड द थीन लेंस ईच हैज फोकल लेंथ -15. -15 तभी आता है जब दोनों कॉनकेव होते हैं, राइट. जब कॉनकेव होते हैं तब जवाब आता है माइनस में. लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक मेटल इज इन द लिक्विड फॉर्म, तो जवाब आ जाएगा मर्क्यूरी, दैट इज HG, राइट. ये 12 क्वेश्चन हमारे हो गए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वॉटर. आंसर सही है ट्रू. रिप्रोडक्शन इज द सॉरी रिप्रोडक्शन इन लेशमेनिया इज बाय द फ्यूजन, तो यहाँ पे ट्रू. ये ऑलरेडी मैंने करवा के रखा था मेरे ट्यूशन क्लास के अंदर. यहाँ पे कुछ कुछ आंसर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैंने फिर रबर से मिटाने का कोशिश किया लेकिन कुछ कुछ रह गए. द प्यूपिल डज नॉट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो यहाँ पे जवाब आएगा फॉल्स. चलो आगे देखते हैं. सोर योगर्ट कंटेन्स एसिटिक एसिड, योगर्ट कैसी भी हो योगर्ट के अंदर कभी भी एसिडिक एसिड नहीं होता, राइट. यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17. विच एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, यहाँ पे जवाब आएगा ब्लड शुगर का मतलब होगा इंसुलिन, और यहाँ पे जवाब आएगा पेनक्रियस. ओके. इन मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन आर टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट कौन सा रहेगा, ये बड़ी हाइट वाला डोमिनेंट रहेगा और छोटी हाइट वाला रेसेसिव हो जाएगा. पिकअप द रॉन्ग पेयर, ये रहा कॉर्निया क्रिस्टलाइन लेंस, राइट. कॉर्निया अलग चीज होता है. यहाँ पे जिब्रेलिन का काम क्या है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ शूट ऑफ प्लांट, तो यहाँ पे बी. एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, इनहिबिट करना, रोकना, तो सी. सेकेंडरी न्यूट्रिशनल लेवल, सेकेंडरी न्यूट्रिशनल लेवल ये रहा प्राइमरी कंज्यूमर्स, और टर्शरी सॉरी टर्शरी न्यूट्रिशन लेवल्स ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए, राइट. तो यहां तक अपने 24 क्वेश्चंस हो गए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए दिए गए हैं, बाकी आप लोगों के पास लिबर्टी होगा, राइट. मैं यहाँ पे सीधा आपको आंसर ही दे रहा हूं. तो क्वेश्चन है पहला, व्हाई इज नाइट्रोजन गैस, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे लिबर्टी खुला पड़ा है बाजू में ये मेरे, राइट. व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन द ऑयल एंड फैटी एसिड्स फूड, राइट, फैटी फूड सॉरी, राइट. तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहला. देखो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको काम आ सकते हैं, राइट. तो ये पॉइंट आप लोग कहीं ना कहीं कंसीडर करोगे. इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, राइट. ओके. तो यहाँ पे ये आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं कि आप लोग अच्छे से लिख पाओ. जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लिखो, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में कहीं पर भी ये पॉइंट करवाए गए हो तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो. तो पहला क्वेश्चन का आंसर, द नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस डज नॉट कंबाइन विथ ऑयल फैट, राइट. इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन करने से बचाएगा ताकि फूड अपना फ्रेश रहेगा. इट रिजल्ट व्हेन द ऑयल और फैट कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट ऑर्डर इन टेस्ट, वे खाने के टेस्ट और स्मेल को संभाल के वैसा वैसा मेंटेन करेगा. एज अ रिजल्ट फ्लशिंग नाइट्रोजन क्रिएट्स एन अनरिएक्टिव एनवायरमेंट, फूड फूड के ऊपर फ्लश किया हुआ नाइट्रोजन तो बाहर के एटमोस्फियर से हमारा खाना बचा रहेगा. ओके. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप कोई भी लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे आपको चार प्रॉपर्टीज दी हुई क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट. तो नॉन लस्टलेस, नॉट प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड, वायर नहीं बना सकते, शीट्स नहीं बना सकते, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसका, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो तो फटाफट अंदर. ड्रॉ द नोमेनक्लेचर डायग्राम ऑफ द एक्सिलरी सिस्टम, ये रहा डायग्राम, राइट. एओर्टा, रेनल आर्टरी, वेन कावा सॉरी वेना कावा, रेनल वेन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, और लास्ट में यूरेथ्रा, और ये 2 किडनीज, राइट. इतने हमारे अंदर, हमारे फिगर के अंदर होने चाहिए. कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 8ों के 8 हमारी डायग्राम में होने चाहिए. मिनिमम 6 लेबल
तो होने ही चाहिए, राइट। चलो ओके, यहां पे ई ज्यादा खींच गया था। ओके सिक्स लेवल, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते फटाफट 28 की तरफ। क्या पूछा है? एक्सप्लेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो समझाना पड़ेगा पहले। तो वेजिटेटिव इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सच एज द स्टेम, लीव्स, रूट विथाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना होते हुए भी अपने आप में से वो नया नया प्लांट बना सकते हैं। द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम हैज मेनी बड्स ऑन इट्स मार्जिन्स, अ न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द बड्स व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन मॉइस्ट सॉइल। जब वो जमीन पे गिरेगा तब वो वहां पे नया प्लांट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे ग्वावा में रूट्स की मदद से और ब्रायोफिलम में लीव्स की मदद से ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पैराग्राफ आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, राइट। वो पैराग्राफ क्या है देख लो फटाफट, ये रहा राइट। ये पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछा है, क्लासिफाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनटू बैक्टीरियल एंड वायरल। तो यहाँ पे डिजीज गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस तीन ही दिए है, वार्ड्स आएगा लेकिन पैराग्राफ में नहीं है, तो पैराग्राफ में से रीड करके ही क्वेश्चन के आंसर देने थे तो हम उसके हिसाब से देंगे। नेम एनी टू टूल्स मैकेनिकल मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल में, अच्छा ये सेंट्रोल लिखा हुआ है, कंट्रोल आएगा राइट। तो यहाँ पे नाम लिखे हुए ये रहे, बहुत सारे हैं, कॉन्डम, कॉपर टी, फीमेल स्टरिलाइजेशन, मेल स्टरिलाइजेशन और बाकी सारे नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम उसको देख के आगे बढ़ रहे हैं राइट। ये रहा बैक्टीरियल में आएगा गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, एड्स और वार्ट आएगा वायरल में, लेकिन वार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है राइट, जो पैराग्राफ में नहीं था, कॉपर टी, कॉन्डम, मेल स्टरिलाइजेशन, फीमेल स्टरिलाइजेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द कलर ऑफ लाइट इज केप्ट रेड इन द डेंजर सिग्नल। मतलब जहां कहीं भी डेंजर सिग्नल का यूज होता है वहां पे लाल कलर की लाइट क्यों यूज की जाती है? तो फर्स्ट पॉइंट, अमंग ऑफ ऑल कलर्स ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के रेड कलर इज हैविंग लीस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लॉन्गेस्ट इन विजिबल लाइट, सो द रेड कलर स्कैटर द लीस्ट। वो सबसे कम स्कैटर होगा और मॉलिक्यूलर एटमोस्फियर में ज्यादा दिखेगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट कैन रीच टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। मतलब दूर से भी किसी आदमी को लाल कलर आराम से दिखाई देगा, इसलिए हर एक डेंजर और अलर्ट वाली साइन जो है वो रेड कलर की रखी जाती है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में सम है, आई का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, चार्ज कितना होगा? तो अपने पास फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो टाइम को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 0.5 इंटू 600, जवाब आ जाएगा 300 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट है राइट, यूनिट ऑफ चार्ज राइट, यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगा कूलम, डन। चलो यहां पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस थ्रू ऑल लोड्स राइट, हर एक लोड में सेम करंट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जितना जरूरी है उतना जाएगा और उसका नेट कितना होगा मेन करंट के जितना राइट। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट लोड्स आर अरेंज्ड इन लाइन, यहाँ पे ऐसे होता है, लाइन में होता है राइट, और पैरेलल में क्या होता है ऊपर नीचे की तरह पे होता है ऐसे राइट, सबने देखा ही है। इलेक्ट्रिकल सर्किट लोड्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे वोल्टेज बराबर V1 V2 V3 होता है, यहाँ पे वोल्टेज सारे इक्वल होते हैं, तो इक्वल सम क्या होता है I1 का, I2 का, I3 का, और टोटल करंट कितना मिलता है I राइट। यहाँ पे इफ वन कंपोनेंट ब्रेक डाउन, क्योंकि लाइन है, अगर कोई एक सर्किट काम करना बंद कर दिया तो बाकी के क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर एक का अपना अपना होगा, ये भी बंद हो गया तो ऊपर नीचे दो रास्ते चालू ही रहेंगे राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझाओ और उसका कौन सा डिवाइस है वो काम बताओ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक दिस। देखो ये हर एक एल शेप बना रहा है अपने आप में राइट, सबको आता ही होगा ऐसे लेफ्ट हैंड से करते हुए। सच दैट इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ अ स्ट्रेच लेफ्ट हैंड
डायरेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट रिस्पेक्टिवली। याद रखना, फर्स्ट फिंगर एफ फॉर एफ, फर्स्ट फॉर फील्ड, ये किसी को दिखाते हैं तो करंट लगता है सामने वाले को, तो ये करंट दिखाता है और ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, राइट। तो ये हो गया, हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आर सिमिलर टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसको हम एक्स वाई और जेड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल शुड बी यूज्ड इफ वन वर टू क्रिएट मोशन। अभी किसी को मोशन के बारे में पूछना हो तो जहां पे मोशन नहीं पता वहां पे ये रूल हम यूज कर सकते हैं। तो मोशन कहां मिलती है, तो मोटर और फैन दो जगहों पे हमें मोशन मिलती है। हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देख लो दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे 5 में दिया है, आप इसमें से कोई भी 3 याद रख सकते हो। 2 मार्क का है तो आप लोग 3+3 लिखोगे, राइट। ओके, यहाँ पे सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिग्रेड इजीली, नेचुरली यहाँ पे दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली, डिग्रेड इजीली, दे आर लेस हार्मफुल, दे आर मोर हार्मफुल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम डिकम्पोज ज्यादा कर सकते हैं, जल्दी होता भी है फास्टर रेट में, यहाँ पे स्लोअर रेट में होता है। वेस्ट एज वेल एज इट्स डिकम्पोजिशन कैन बी यूज्ड प्रोडक्ट एज फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, इसको ना तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, सिवाय कि इसको हमने क्या किया, रीयूज किया तो रिसाइकल किया तभी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लास्ट में आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, दे डोंट कॉज एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे पोल्यूशन होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। चलो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 में क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो पहले डेफिनेशन हो गया, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग, यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख सकता हो बायोटिक और एबायोटिक, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, थिंग्स लिव टूगेदर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। The two main components of ecosystem are biotic and abiotic. Now we have living and non-living components. Third point, आप लोग ये component के example लिख सकते हो third point के लिए कि biotic में कौन आएगा और abiotic में कौन आएगा, right? ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। Ponds and lakes are natural ecosystem, वो सबको पता है। अभी यहाँ पे आपको एक figure दिया हुआ है, आगे देखेंगे आप तो। ये रहा, तो यहाँ पे ए बी सी डी बताना है, तो ये अपना एओर्टा, बी में क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, सी मतलब सेप्टम, डी मतलब ऊपर वाला, राइट एट्रियम, तो ये राइट वेंट्रिकल नीचे वाला और ये लेफ्ट एट्रियम, ये सब कुछ नाम वहां पे आपको सजेस्ट करके ऑलरेडी बताए हुए हैं, राइट। ये रहा एओर्टा, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है दो जो पार्ट है उसके बीच की दीवार, लास्ट इज लेफ्ट एट्रियम। ओके डन, चलो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। अपना क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट द यूजेस ऑफ फ्यूज, तो पहले फ्यूज क्या होता है वो देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट कॉपर और अदर मेटल वायर दैट ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज की वजह से हीट होती है, हीट से क्या होता है एक वायर होता है फ्यूज का, वो बीच में से कट हो जाता है तो आगे कनेक्शन नहीं बढ़ पाता, कनेक्शन आगे ना बढ़ने की वजह से पूरा का पूरा घर क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, ताकि ओवरलोड आगे नहीं बढ़ेगा। इट सेफ गार्ड द सर्किट एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट फ्रॉम बीइंग द डैमेज इफ द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफिक वैल्यू, तो ये भी उसको फ्लक्चुएट होने से रोकेगा, शॉर्ट सर्किट होने से भी रोकेगा। मोस्ट मॉडर्न कंज्यूमर यूनिट्स दैट यूज एमसीबी, अब बहुत सारे घर पे फ्यूज यूज नहीं होता, एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना बोल रहा हूं मैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, याद सबको रह जाएगा, राइट। सॉरी एमई, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी बहुत सारे जगहों पे हर एक घर पे यूज होता था। आपने देखा हो ना एमसीबी जिसको बोलते हैं, आपके घर में मीटर के बाजू में लगा होगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो ऐसा आवाज आती है ठाक, ऐसे आवाज से वो गिर जाता है, तो वो होता है एमसीबी, और बहुत सारे घर में अभी अभी वही लगाते हैं सब लोग,
राइट। तो यहां तक अपना सेक्शन नंबर बी था, तो पेपर नंबर वन हमने यहाँ पे खत्म किया। अभी देखो दोस्तों, आप लोग टाइम देखोगे ना, टाइम हुआ इस वीडियो का अभी 20 मिनट और समथिंग, ऊपर कुछ सेकंड्स हुई है। तो पूरा का पूरा पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने में अगर 20 मिनट लगती हैं, तो लिखने में और 10 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा सोच लो। तो एक्स्ट्रा सोचोगे 20 मिनट, तो 20 प्लस 20 40, तो ये बहुत ही घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि 24 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर ए और दूसरा सेक्शन बी जो है वो आपका 18 मार्क्स का। सोचो 8 और 4 12, ऊपर एक, टोटल 42 मार्क्स का सॉल्यूशन आप लोगों ने 40 मिनट्स में कर लिया। और हो जाता है, क्योंकि सेक्शन ए में तो कुछ टाइम ही नहीं लगता, जो टाइम लगता है वो सेक्शन बी में ही लगता है, और सब कुछ अगर आता है तो हम आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो सोचो 40 मिनट्स का शायद मैं गिन के 50 भी करूं ना, खींच खींच के भी, तो भी सोचो आप 42 मार्क्स का मतलब होता है 80 आउट ऑफ राइट, 42 आउट ऑफ 80, मतलब 50% मार्क आप लोग ऐसे ही कवर कर पाते हो। तो मैं तो बोलता हूँ ए और बी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। इसके बारे में भी हम एक वीडियो डालेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करने से आप अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आगे का वीडियो बहुत ही जल्दी मैं डालूंगा। फटाफट आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करो, आप लोग भी देखो, और हर एक वीडियो देखने के बाद एक प्यारी सी कमेंट कर दो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।